सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में, और ये है हिमालय कंपनी की ईव केयर। अब इसके क्या फायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इधर दोस्तों, ये जो ईव केयर है इसका जो है एक सिरप भी आता है, कैप्सूल भी आती है। तो अगर आप 200 ml का सिरप लेते हो तो ये जो है आपको ₹120 का मिलेगा, और वहीं आप 400 ml की अगर बॉटल लेते हो तो ये ₹185 में मिलेगी। और कैप्सूल के बारे में बात करें तो 30 कैप्सूल अगर आप लेते हो, जो कि एक डब्बी में आती है, ये आपको ₹130 में मिलेगी। और प्राइस जो है दोस्तों समय के साथ जो है ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जो सिरप है, या मैं बोल दूँ ये जो मेडिसिन है, बहुत सारे हर्बल इन्ग्रीडियंट से बनाई गई मेडिसिन है। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन फायदा है फीमेल लोगों के लिए, ये फीमेल का हेल्थ टॉनिक है। जैसे कि अगर कोई ल्यूकेरिया जो बीमारी हो जाती है, जिसमें वाइट जो है सफ़ेद पानी आने लगता है, या डिसमेनोरिया हो जाता है, जो कि पीरियड्स के दौरान आपको काफ़ी दर्द होता है, लोअर बैक में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, थाइस में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में ये फीमेल लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद जो है मेडिसिन हो सकती है। इसके अलावा अगर हार्मोन्स वगैरह आपके बैलेंस नहीं है तो हार्मोन्स को ये जो है बैलेंस करने का काम भी करता है। इसके अलावा अगर यूटीआई की कोई शिकायत है, जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी जो है बहुत फायदेमंद जो है ये सिरप होता है। और इसके अलावा जो पीरियड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जैसे कि कम आना पीरियड, ज़्यादा आना, या समय पर नहीं आना, या समय से पहले आ जाना, तो इन सब प्रॉब्लम में जो है काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपका ये मेडिसिन ईव केयर। इसके अलावा अगर इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो कुछ हद तक जो है इनफर्टिलिटी की शिकायत भी दूर करता है ये सिरप। और इसके अलावा अगर आपको थकान जैसा लगता है, आपको कमजोरी जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मुझमें एनर्जी नहीं है, तो उस कंडीशन में फीमेल लोगों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करेगा, और अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं आपको पता है वो नहीं होती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, इस टाइप से बीमारियाँ नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो इतनी जल्दी नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर एनीमिया है आपको, खून की कमी है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है ईव केयर मेडिसिन ले सकते हो। तो एक प्रकार से फीमेल हेल्थ टॉनिक है ये, एक बार फीमेल जरूर आजमा के देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो लेना कैसे है, आप डोज के बारे में बात करते हैं। तो 10 से 15 ml जो है आपको एक दिन में दो बार तक लेना होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो है आप एज ए टॉनिक लेना चाहते हैं, तो तब भी इसको ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है आप एक बार लेना है, एक दिन में एक बार, चाहे 10 ml ले लें या 15 ml ले लें। और अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है एक दिन में दो बार तक ले सकते हो। अब इधर जो है कैप्सूल अगर आप लेते हो कैप्सूल फॉर्म में, तो एक कैप्सूल आपको एक टाइम लेना है। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको भी जो है दो टाइम कर दीजिएगा, एक सुबह एक शाम को, इस प्रकार से ले सकते हो। और ये कुछ भी खाने के बाद, चाहे वो नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके बाद जो है आपको इसको लेना है, 20 से 30 मिनट बाद आप इसको ले सकते हो। अब भाई ये मेनली तो फीमेल लोगों के लिए, तो इधर मेल का कोई रोल नहीं है, इधर जो है केवल फीमेल लोगों के लिए ये है आपकी मेडिसिन ईव केयर। अब भाई साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाई गई मेडिसिन है। लेकिन तब भी अगर आपको कुछ हेल्थ में इशू लगता है, जैसे कि पेट वगैरह खराब हो जाता है, कुछ इस टाइप के इशू लगते हैं, तो आप इस सिरप को लेना बंद कर सकते हो। और अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें, तो देखिए रिजल्ट जो है कम से कम 3 से 6 महीने को लेके देखना पड़ेगा मिनिमम। मतलब 3 महीने तो लेना ही लेना है, क्योंकि 3 महीने से पहले आप लोगे और आप बोलोगे फायदा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। तो कम से कम 3 महीने लीजिए, और 3 महीने में आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है फायदा मिल रहा है, तो इसको मैक्सिमम आप 6 महीने तक लेके एक बार देखिए। और आपकी जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आप इसको लेना भी बंद कर सकते हो। और अगर कभी आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि फिर से प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर से आप इसको चालू कर दीजिएगा। अब इधर भाई कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो। चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो, होम्योपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, वो भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो। लेकिन समय का थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। मान लीजिए आपने कोई भी मेडिसिन अभी ली, तो इसको जो 4 घंटे बाद लीजिएगा, 4 घंटे का गैप जो है कम से कम जो है आप रखिएगा। अब भाई इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा अगर आप ये ईव केयर मेडिसिन लेते हो तो। जैसे कि आपको खटाई नहीं खाना, या तो बहुत कम कर देना है, और टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे नाश्ता करना है, टाइम पे सोना है,
और लेडीज लोगों को एक और सलाह देना चाहूंगा, आप जो है थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए और एचबी का टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि थायराइड की बीमारी होती है तो उस कारण भी बहुत सारे जो है हेल्थ में इशू होने लगते हैं फीमेल लोगों को। तो एक बार थायराइड और एचबी का टेस्ट करवा लीजिए, हीमोग्लोबिन, तो उसमें आपका जो है खून का भी पता लग जाता है कि कितना खून है, कहीं आप एनेमिक तो नहीं हो, एनेमिया के पेशेंट तो नहीं हो। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह खाइए, सलाद खाइए और पानी जितना हो सके उतना पीजिए, और हो सके तो एक्सरसाइज कर सकते हो एक्सरसाइज करिए, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट वॉकिंग करिए। तो इस प्रकार से अगर आप ये सब फॉलो करोगे जो मैंने एडवाइस दी है, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है इस ईव केयर मेडिसिन का फ़ायदा मिलेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस हिमालय ईव केयर को लेकर तो आप मुझे जो है कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर इस टाइप से आप और भी वीडियो देखना चाहते हो हेल्थ से रिलेटेड या हिमालय कंपनी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।